आपके होस्ट एंड दोस्त नेहा सिंह और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। अगर मैं आज के एपिसोड की बात करूं तो आज का एपिसोड तक काफी धमाकेदार, क्योंकि बिग बॉस ने ली है सबकी जमकर क्लास। ये सारी चीजें हुई हैं, उसी के साथ सिद्धार्थ का एंग्री लुक कंटिन्यू था, घर वाले किचन में लड़ रहे हैं, टास्क को लेकर लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। वही टिकट टू फिनाले पाने का एक मौका फिर घर वाले लोग ने छोड़ दिया है, मतलब उनके हाथ से निकल गया। वैसे निकलना ही था जिस तरह आपकी उनकी हरकतें हैं, पर ठीक है। ये सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जहाँ टॉय टास्क उनको मिला था कल के एपिसोड में, उन्हें एक मौका मिला था कि वो घर की कोई एक रानी चुनेंगे, साथ में उन्हें टिकट टू फिनाले मिलेगा, पर लड़कियों ने ये भी मौका हाथ से पूरी तरह गवा दिया है। क्योंकि जहां कल के एपिसोड में हमने ये देखा था कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में दोनों टीम में जमकर दुश्मनी नजर आ रही थी, वहीं लड़कों ने आज डिसाइड किया कि हम लड़कियों के इस गेम में नहीं पड़ेंगे, उन्हें जैसा खेलना है वो खेल सकती, पर लड़कियां तो लड़कियां हैं ना बिग बॉस की, वो भी थोड़ी ना मानने वाली है, वो अपनी दुश्मनी उसी तरह कंटिन्यू रखी। और इतने ज्यादा झगड़े बढ़ गए कि बिग बॉस खुद आए और उन्होंने जमकर फटकार लगाई है इस बार बिग बॉस के जो भी घर में गए हैं जितने भी सेलिब्रिटी सबकी। पहले तो उन्हें साथ में बैठाया गया, उसके बाद उनकी जमकर क्लास ली गई है। उन्हें ये कहा गया, आप लोग बहुत बेहुदे हो, आप लोग बहुत बदतमीज हो, बहुत बचकाना गेम आप लोग खेल रहे हो, आप लोग को ये खेलने के लिए बिग बॉस ने इस घर में नहीं बुलाया है, आप रियल नहीं हो, सबके सब फेक हो, आप लोग जो रियल दिखने आए, लोग आपको टीवी जब ऑन करते हैं लोग वो देखना चाहते हैं जो आप लोग रियल में है, पर आप लोग तो पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अगर सिद्धार्थ कुछ समझा रहे हैं तो बस वो समझा रहे, उस चीज पे तो अमल होते हुए नजर नहीं आ रही है। वहीं सिद्धार्थ अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उनके टीम का सब पार्ट बन जा रहे हैं। और बिग बॉस ने ये चीज बहुत साफ तौर पे समझाई है कि लोग झगड़ा देखने के लिए यहां नहीं आए, लोग ये देखते हैं कि आप बिग बॉस को कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, क्योंकि लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट हर जगह ढूंढते हैं। नंबर वन शो होने के बाद भी, रियलिटी शो होने के बाद भी आप लोग वो नहीं दे पा रहे हैं जो आपके फैंस को चाहिए बाहर, क्योंकि आप लोग आपसी झगड़े में लगे हुए हैं, आपसी पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं, आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टास्क रद्द हो रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा मौका था किसी एक को टिकट टू फिनाले पाने का। वही बिग बॉस ने ये भी कहा कि अगर लड़के इस टास्क में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे वो बात समझ में आ रही थी, क्योंकि उनको इस चीज से कोई फायदा नहीं होने वाला था, पर लड़कियों को किसी एक लड़की को रानी बनने का मौका मिलता और टिकट टू फिनाले पाने का भी, पर लड़कियां क्यों इस तरह का बिहेव कर रही हैं वो बिग बॉस को समझ में नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा है कि आपके फैंस आपसे बाहर बहुत ज्यादा नाराज होंगे इस तरह की चीजें देखकर, क्योंकि वो आपको झगड़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आपको कुछ करते हुए इस घर में देखना चाहते हैं। तो इस सारी चीजों का फटकार आज घर वाले लोग को जमकर देखने मिला है, डांट मिली है। पर मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि जैसे ही वो लोग वहां से सोफे से उठेंगे और मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि हाँ यार हमने गलत किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दूसरे को ब्लेम जमकर किया गया, पारस ने सिद्धार्थ को किया, उनकी टीम ने इनको किया है कि आप लोगों ने पहले शुरू किया, उन्होंने कहा आप लोगों ने पहले शुरू किया, मतलब बदलाव मुझे नहीं लग रहा है कि इन लोगों में कुछ नजर आने वाला है, क्योंकि गुस्सा इतना ज्यादा है, नाराजगी इतना ज्यादा है। और ये एपिसोड में स्पेशली अगर मैं बात करूं ना, मतलब बिग बॉस 13 की, कोई किसी के साथ बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करना चाहता है, जो चल रहा है चले जाए, बस ग्रुप बनाए जा रहा है, इसका कंधा पाके कोई यहां रो रहा है, उसका कंधा पाके कोई वहां रो रहा है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी चीजें बिग बॉस के डांटने के बाद ये सारी चीज़ें देखने मिली है। वहीं घर के अंदर थोड़े बहुत नोकझोंक थे जो सिद्धार्थ और रश्मि के, वो कंटिन्यू नज़र आए हैं। वहीं सिद्धार्थ ने चाय बनाने को लेके बहुत बड़ा इशू किया है, उन्होंने रश्मि को कहा मैं चाय बनाऊंगा लेकिन अगर आप पियेंगी तो ही मैं बनाऊंगा वरना मैं बर्बाद नहीं करूंगा। वहीं सिद्ध ने देबोलिना को भी ये बात कहा कि आप रानी होने का फ़ायदा उठा रही, आप अपनी टीम को काम नहीं देती, आप हमें काम देती हैं। वहीं शहनाज ने आज किचन में खाना बनाया था पर उनका खाना पारस की टीम ने नहीं खाया, जिस पर काफ़ी नाराज हुई थी शहनाज, और उस चीज में शहनाज ने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो पारस को बुरी लगी। उस चीज को वहां पे क्लियर करते हुए शहनाज पारस के पास आई और पारस को उन्होंने ये कहा कि मेरा जो वो चीज़ मैंने जो आपको बोला था मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये वो करके उन्होंने पारस से वापस माफ़ी मांगी। पारस ने उन्हें बहुत कुछ आज समझाया है कि सिद्धार्थ आप लोग को जैसा नचाना चाह रहा है आप वैसे नाचे जा रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो आप लोग को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, जबकि सिद्धार्थ की असलियत आप नहीं जानते हैं। तो शहनाज ने ये कहा कि मैं क्या नहीं जानती, वो मुझे प्लीज़ बताइए। तो सिद्धार्थ के बारे में, उनके शो को लेकर जो रश्मि और उन्होंने साथ में किया था उस शो को लेकर उन्होंने काफ़ी खुलासे किए हैं कि सिद्धार्थ गाली देते थे सेट पर, इसलिए उन्हें निकाला गया है, वो बदतमीजी करते थे उसकी वजह से, अगर रश्मि ऐसी होती थी तो उन्हें निकाला जाता था, पर सिद्धार्थ को निकाला गया है क्योंकि उनकी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। वही शहनाज ने तो ऐसा लिखा, हाँ ऐसा हुआ था, इस टाइप का उनका रिएक्शन था।
पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही पारस वहां से उठे और सिद्धार्थ वहां पे आए और सिद्धार्थ काफी नाराज हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलन हो रही थी, कैसे कैसे वो पारस के पास चली गई बात करने के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं शहनाज में बढ़ते जा रहा है। और शहनाज उनके पास गए, शहनाज ने उनसे बहुत माफी मांगा, उन्होंने ये कहा कि वो मुझे बोल रहे थे पर मैं फिर भी आपके साथ हूँ, आप इस बात को समझिए। मतलब शहनाज इतनी अजीब है कि समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या है, उन्हें पारस चाहिए, उन्हें सिद्धार्थ चाहिए, उन्हें क्या चाहिए उन्हें नहीं समझ में आ रहा, पर वो अपना गेम बहुत अच्छा खेल रही हैं ये हम कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई हैं, वही छोटे मोटे जो थोड़े बहुत नोक झोंक थे, जहाँ पे सिद्धार्थ और आरती की दोस्ती बहुत अच्छी खास देखने मिल रही थी, वहीं सिद्धार्थ आरती से भी जाके नाराज़ हो गए, वो उनको भी जाके सुना दिए कि आप मेरे दम पे गेम मत खेलिए, आप मेरी बातें जाके यहाँ वहाँ मत कीजिए, ये सारी चीज़ें हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा सिद्धार्थ किसी के साथ अपना अच्छा रखेंगे, मे बी शहनाज के साथ रखेंगे। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आज के एपिसोड में स्पेशली हमें देखने मिली है। वहीं अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सिद्धार्थ का ये जलन आगे जाके और थोड़ा बढ़ेगा, या पारस और शहनाज एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, किसकी दोस्ती सच में टिकी हुई रहेगी, या सिद्धार्थ किससे सबसे ज़्यादा क्लोज होंगे, और कौन इस बार घर से बेघर होगा। ये सारी अपडेट पाने के लिए प्लीज़ इसी तरह देखते रहिए बोल बोल बॉलीवुड, और बाकी खबरों के लिए भी बने रहिए बोल बोल बॉलीवुड के साथ।